मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के लालगंज बसंता जहानाबाद पंचायत के पंचायत भवन में खरीफ महोत्सव 2022 के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें योगी जी सेवा संस्थान आत्मा की तरफ से संगीता यादव, अमित दुलारा, गिरधारी लाल यादव, अमित सिंह, जयप्रकाश और कदक नामक कलाकारों ने किसानी से संबंधित जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया, किस फसल को कब और कैसे रोपा जाए आदि कई मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जानकारी दिया। वहीं कलाकारों के द्वारा बताया गया कि किसान कभी भी अपने खेत में पुआल या किसी भी प्रकार के जंगल को आग लगाकर नष्ट न करें। इससे खेतों में अनाज पैदावार को बढ़ाने वाले कीटाणु जल जाते हैं, जिस कारण मिट्टी खराब हो जाती है। तथा कलाकारों ने संगीत के जरिए भी किसानों को फसलों के बारे में समझाने की भरपूर कोशिश की। इस मौके पर प्रखंड कृषि कार्यालय से पूजा कुमारी, अनिकेत कुमार, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक कृषि विभाग एवं बसंता जहानाबाद पंचायत के मुखिया गणेश राय, लालगंज अंचलाधिकारी पंकज कुमार सहित कई अधिकारी और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ये चौपाल लगाने का उद्देश्य क्या है? चौपाल लगाने का उद्देश्य ये है कि ये कृषि विभाग से जो चौपाल लगाया जा रहा है खरीफ मौसम में, इसमें जल जीवन हरियाली के तहत जो पेड़ की सिंचाई योजना है, जिसमें सिंचाई का जो प्रबंध है, जो सरकार अनुदान दे रही है, सुविधा दे रही है सिंचाई का नई तकनीक पे, उसके चौपाल लग रहा है किसानों को। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप जो पारंपरिक तरीके से जो सिंचाई कर रहे हैं, वो नया टेक्नोलॉजी से करने से आपका पानी का बचत होता है और आप कम लागत में अच्छा फसल का ग्रोथ होता है, मुनाफा होता है। और इसमें फसल अवशेष जो जलाते हैं किसान हमारे, जो आजकल जो वायु प्रदूषण हो रहा है, और हमारे बिहार सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो फसल अवशेष न जलाने के लिए किसानों को वो जागरूक किया जा रहा है, उसके भी उसको जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से फसल अवशेष न जलाएं, उससे क्या हानि है उसके तहत बताया जा रहा है किसानों के बीच। नुक्कड़ नाटक और खरीफ महोत्सव से किसान कितना जागरूक हो रहे हैं? ये हमारे प्रखंड में लगभग 8 पंचायत में अभी तक हो चुका है, अभी आगे और हो रहा है। इससे बहुत से बहुत किसान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और इस पर उनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ज़्यादा वो इस चीज़ को प्रभावित हो रहा है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अनिकेत कुमार हुआ, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक